मनीष जी कुछ नहीं, इनको केवल भगवान राम के मंदिर पे आपत्ति उठानी है, उसको लांछित करना है, कलंकित करना है। और ये पहले दिन से, आज इनका कार्य सब पहला दिन था संसद के अंदर, तो इन्होंने वो काम शुरू कर दिया। और इनके साथ वो एक सांसद इनका मनीष जी, वो सेंगोल पर बरस गया, उसको सेंगोल पर आपत्ति शुरू हो गई। उसने सेंगोल के बारे में अनर्गल की इसको हटाया जाए, और क्यों ये इसको सेंगोल पर आपत्ति है, और कह रहा संविधान ला के रखा जाए। उस संविधान के पहले पन्ने पे भगवान राम का दरबार है, वहां उसमें भगवान बजरंगबली हैं, उसमें भगवान नटराज हैं, क्या करोगे? उसमें उसमें भागीरथ भागीरथ की प्रतिमा है, देवी दुर्गा की प्रतिमा है, भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर है, सब तो है उसमें। तो उस संविधान को क्या करोगे? तुम्हारी औकात है और आर के चौधरी की, तुम जरा पन्ने फाड़ दो उसके। तुमको अगर हिंदू धर्म से इतनी घृणा है, और जहां तुम लड़ते हो चुनाव, वहां कैसे तुम जाके ब्राह्मणों के यहाँ भीख मांगते हो वोटों की? वो बहुत अच्छे जानते हो, क्योंकि लखनऊ से जीत गया है मनीष जी, कैसे यहाँ चमचागिरी करता और वहां पर नेतागिरी चमकाने के लिए उलूल जुलूल बातें कर रहा है। अगर इसमें औकात है तो जरा ये मांग करे कि वो संविधान के जो पहले पन्ने में भगवान राम का दरबार है, ये और अखिलेश यादव दोनों जरा उसको कहे कि इसको राम दरबार हटाया जाए संविधान से, इनमें वो है जस्ट। तो बड़ी इनको बड़ा इनका सेकुलरिज्म जाग रहा, बड़ा इनको हिंदू धर्म से इनकी नफरत उफान मार रही, बड़ा तूफान मार रहा हिंदू धर्म के खिलाफ। तो जरा इस आर के चौधरी की अगर हिम्मत है तो कहे कि, और मनीष जी एक बात और दर्शक जान लें कि संविधान में जो जिनमें देवी देवताओं का जिक्र कर रहा हूँ, ये जो संविधान सभा थी उसका ये प्रस्ताव नहीं था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मनीष जी, जिसका कभी खैराती जिक्र नहीं करते, दिल्ली के दलाल जिक्र नहीं करते, कि वो उन्होंने तो जो उसकी संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्वयं का प्रस्ताव था, ये उनकी स्वयं की सोच थी। क्योंकि ये हिंदू धर्म जो है, भगवान राम जो है यहाँ कड़कड़ में है, आम आदमी के मतलब भारत की आत्मा है, तो उनके बिना ये संविधान पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने नंदलाल बोस जो उस समय सबसे महान चित्रकार, मतलब उस समय क्या अकाल जी चित्रकार हैं, और आज भी उनके बराबर उनके जैसा चित्रकार हुआ ही नहीं, उस हरामजादे एम एफ हुसैन को तो इन लोगों ने तान दिया, कम्युनिस्टों कांग्रेसियों ने, वो कुत्ता घोड़ा बिल्ली बनाया करता था। नंदलाल बोस को उन्होंने कलकत्ते से बुलवाकर स्पेशल ड्यूटी लगाई थी कि तुम ये करो, और उन्होंने ही चयन किया था भगवान राम का, हनुमान जी का, सबके उसमें चित्र जो बने हैं, कैसे हर खंड में किस देवी देवता के चित्र के साथ वो शुरू होगा। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ही कल्पना थी, उन्हीं के सुझाव था, उन्हीं के कहने पर इसको लागू बनाए गए थे संविधान में। तो ये आर के चौधरी का अम्बेडकर का भाव हो गया क्या? ये क्या अपने आप को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से ज्यादा बड़ा समझता? और उसमें मनीष जी एक और किस्सा है, क्योंकि मैंने उसको एक बार स्टोरी की थी पूरी, कि उस समय भी कुछ थे सेकुलर, गांधी के चेले, गांधी तो बहुत बड़ा सेकुलर था, जितने सेकुलर उनको ऑक्सीजन तो वहीं से मिलती है। तो वो गांधी जो चेले थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इससे बड़ा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप होगा, वो फलाना होगा ढिमाका होगा। तो अंबेडकर ने जवाब दिया था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द पूरे हमारे संविधान में नहीं है। तो ये चित्र में आने से क्या परेशानी हो जाएगी? और डॉक्टर अम्बेडकर की जिद पे वो तरह से कहिए या उनकी पहल पे वो चित्र बने, और भगवान राम का दरबार का पहला सबसे पहला पन्ना है, आर के चौधरी तुम में औकात हो तो तुम जरा उसको हटवा के दिखाओ, तुम सेंगोल के नाटक कर रहे हो, सस्ती और फुवड़ राजनीति कर रहे हो, चमक में आ जाए, लोग चर्चा करने शुरू हो जाए। क्योंकि इसको मनीष जी को टके तीन पूछ नहीं रहा था, पिछली बार जब चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पे, इसी सीट पे लड़ा था, तो ये 5.5 लाख वोटों से आ रहा था, ये कोई नहीं बता रहा चैनल की इसकी खुद की क्या औकात है। कांग्रेस के टिकट पे इसी मोहनलालगंज से चुनाव लड़ा था, और कौशल किशोर से ये 5.5 लाख वोटों से हारा था, इसको 60-70 हजार वोट मिला था इसी मोहनलालगंज में। अब की वो जातिगत समीकरण एक तरह से मुल्लाओं का पूरा एक केंद्रीकृत होकर इसको वोट दे दिया, तो ये फिर बोहराया है। और इसको मनीष जी इसकी कितनी हैसियत है राजनीतिक, एक और बता दूं कि इस आर के चौधरी को माया, ये मायावती के और काशीराम की बदौलत ये नेता था, अन्यथा इसको कोई जानता नहीं था। और जब इसको मायावती ने निकाला था मनीष जी, तो वो भी किस्सा लखनऊ के अखबारों में मीडिया में कई दिन तक चर्चित रहा, और पत्रकारों नेताओं में तो वर्षों तक उसको बड़ा एक मजाक का विषय था कि ये मायावती का कार्यक्रम हो रहा था परिवर्तन चौक लखनऊ में, और ये वहां नारेबाजी इसके समर्थकों ने कहीं इसको कह दिया कि चीफ मिनिस्टर कैसा हो तो आर के चौधरी जैसा हो, इसके चमचे सबके होते हैं। तो मायावती मंच में बैठी सुन रही थी, मायावती वहां से उठकर अपने बंगले आई, और जब कार्यक्रम खत्म होकर जब ये पहुंचा तो इसको गेट पर चौकीदार ने रोका, कहीं तुमको पार्टी से निकाल दिया गया, अब तुम यहाँ कभी ना आना। और उसके बाद ये घुस नहीं पाया मायावती के दरवाजे कभी।
तो इसकी ये हैसियत थी कि कितना बड़ा नेता था, सब आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब मायावती आई, उन्होंने चौकीदार से कहा कि आ जाए तो उसको बता देना कि तुमको तुमको पार्टी से निकाल दिया गया है। तो ये अब ये आगे अखिलेश के चरणों में पड़ा हुआ है, कितना बड़ा नेता। ये एक आंधी चली और आंधी क्या चली, वो भाजपा का जो भीतरघात, जिसमें उसके लिए हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं, क्या कहा जाए क्या कैसे कहा जाए, अन्यथा रिजल्ट उठा के देख लीजिए। और आने वाले समय में 2027 में इनको पता चल जाएगा, घोड़ ना घोड़ा दूर ना घास दूर, लेकिन इन लोग ये बौरा गए हैं, 37 सीटें पा गए समाजवादी पार्टी। तो अखिलेश यादव भगवान राम को अपमानित करने में जुट गया और ये सेंगोल पे टूट पड़ा। इस पर बात करो कि जो संविधान, जिस संविधान 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 का गाना गा रहे हो और आर के चौधरी, और जिस हिंदू धर्म से इतनी नफरत प्रकट कर रहे हो, जिस भारतीय प्राचीन संस्कृति भारतीय सभ्यता संस्कृति से इतनी जहर उगल रहे हो, जरा कहो कि इसका जो पहले पन्ने पर राम दरबार बना है भगवान संविधान के, उसको क्या करोगे? बिल्कुल। तो ये एजेंडा आपको क्या लग रहा है कि ये षड्यंत्र क्या है, कि मतलब इसमें किसको कुछ करना है? और मनीष जी याद दिला दूं कि उस संसद में जो चक्र बना है जहां बैठता अध्यक्ष, चक्र वो क्या है? वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, धर्म चक्र है, वो उसको धर्म चक्र कहा जाता है। वो अशोक की लाट जो संसद के सर पर खड़ी है, संसद के शीर्ष पे सिर्फ एक तरह से मुकुट की तरह सजी हुई है, वो क्या है आर के चौधरी? वो सारनाथ से, सारनाथ में जो अशोक की लाट थी, धर्म चक्र कह लीजिए, अब मैं उसका सन भूल रहा हूँ किस सन में था, तो वो भी तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसके बारे में क्या कहोगे? उसमें औकात नहीं तुम्हारी, बोल दो तुमको, क्योंकि हिंदुओं में कोई गाली नहीं देता, कोई आक्रामक नहीं होता, कोई कन्हैया लाल की तरह गर्दन काटने वाला नहीं होता, इसलिए तुम तब बहके बहके नजर आते हो। कभी अभी जरा कभी जरा इस्लाम धर्म के बारे में टिप्पणी करके देखो, उसके किसी प्रतीक चिन्ह के बारे में टिप्पणी करके देखो, उनके किसी प्रतीक के बारे में टिप्पणी करके देखो, तुम्हारी औकात नहीं। अब ये सेंगोल मनी जी, एक प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति या परंपरा, उसका वो प्रतीक है और वो न्याय का प्रतीक है, न्याय दंड है, उसके खिलाफ ये जहर उगलने लगा। इनको केवल वही है कि ले दे के वो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता जो वोट बैंक है उसको खुश करो कि देखो हम हर तरह से भगवान राम से आज शुरुआत कर दी अखिलेश यादव ने, कि भगवान राम को लांछित अपमानित हम करेंगे। और उसके बाद ये जो आर के चौधरी है, इसने सेंगोल से कि हम हिंदू, हर हिंदू प्रतीक को, हिंदू सभ्यता को, हिंदू संस्कृति को गाली बकेंगे, अपमानित करेंगे, उसको कहेंगे कि इसको हटाओ यहाँ से, ताकि वो खुश हो जाए। ये केवल इनकी इतनी रणनीति है बस।